in furtherance of the government's sinister agenda. All officials must hear this. The governments do not have any permanency. There are few weeks left for the general elections to begin. It's certain this government is rattled. Prime Minister is staring at an imminent defeat, and that's why these actions. When the new government assumes office, all such actions, which have been at the behest of the political masters of today, to harass, intimidate, frame, and defame. Even the charges, those are framed. They will be held to account and they will have to answer. देखिए जहां तक आनंद शर्मा जी का सवाल है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग, धमकी भरी भाषा का प्रयोग आज आनंद शर्मा जी ने किया है कि वो सारे ऑफिसर्स जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं वो बंद कर दे काम करना, ये कांग्रेस की संस्कृति और मेंटालिटी को दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचार को बचाना चाहती है। आप याद करिए, जब सुप्रीम कोर्ट से अपने मन मुताबिक वर्डिक्ट नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कि हम इम्पीच कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। जब इलेक्शन हारते हैं तो ईवीएम का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है लंदन में करवाते हैं, कपिल सिब्बल जी जाते हैं और इलेक्शन कमीशन को वहां से धमकी देते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है। ये धमकी की जो राजनीति है ये नहीं चलने वाली है। देश से भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत सरकार ही लड़ सकती है और ये सब चाहते हैं कि मजबूर सरकार आए और भ्रष्टाचार को पनाह मिले।